आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अध्याय 12, खनिज पोषण अर्थात मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट में हमें पढ़ना है। ठीक है, खनिज पोषण इसके अंतर्गत जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं वह है फर्स्ट, पादप में खनिज अनिवार्यता की अध्ययन विधि, सेकंड, अनिवार्य खनिज तत्व, थर्ड, तत्वों के अवशोषण की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, और फोर्थ है विलेय का स्थानांतरण सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ है मृदा अनिवार्य तत्वों के संचयता के रूप में, और सिक्स्थ है नाइट्रोजन का उपापचय मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। इतने हमारे टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। सभी जीव की मूलभूत आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से एक समान होती हैं। उनको अपनी वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए बृहद अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एवं खनिज लवणों की अनिवार्यता होती है। ठीक है, यह अध्याय मुख्य रूप से अकार्बनिक पादप पोषण की ओर केंद्रित है, जिसमें पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए अनिवार्य तत्वों की पहचानने के तरीके और उनकी अनिवार्यता निर्धारण करने के लिए मापदंडों का अध्ययन इस सेक्टर हम करेंगे। ठीक है, अनिवार्य तत्व की भूमिका, उनकी कमी से होने वाले लक्षण और उनकी अवशोषण क्रिया विधि का भी अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में संक्षेप में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है यानी कि N2 स्थिरीकरण, इसका महत्व और क्रिया विधि में भी अवगत करेंगे। ठीक, अब फर्स्ट जो चैप्टर है पादपों की खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि। जूलियस सेक्स एक प्रमुख जर्मन पादपविद थे, जिन्हें सर्वप्रथम यह प्रदर्शित किया कि पादपों को मृदा की अनुपस्थिति में पोषण विलयन के घोल में वयस्क अवस्था तक उगाया जा सकता है। पादपों को पोषण विलयन के घोल में उगाने की यह तकनीकी जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स नाम से जानी जाती है। बहुत इंपोर्टेंट। ठीक है, बाद में कई उन्नत विधियां प्रयोग लाई गई जिसमें पादप के लिए खनिज पोषण की अनिवार्यता तय की जा सके। उपरोक्त सभी विधियों के प्रयोग का निष्कर्ष पादपों को मृदा विहीन पोषक विलयन के घोल में उगाना है। इस विधि में शुद्धता शुद्धिकृत जल एवं पोषण खनिज की अनिवार्यता होती है। श्रृंखलाबंद प्रयोगों के पश्चात पादपों की जड़ को पोषक विलयन में डुबाया जाता है और उसमें एक तत्व को डाला या हटाया अथवा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसके बाद हम यह पता कर सकें कि इस तत्व की कमी या अधिकता या इसकी जो सांद्रण है, विभिन्न सांद्रण उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, एक खनिज विलयन प्राप्त होता है जो पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त था। इस विधि द्वारा अनिवार्य तत्वों की पहचान की गई, उसकी कमी से होने वाले लक्षणों की खोज हुई। जल संवर्गी तक की जो तकनीकी है वह सब्जी जैसे टमाटर, बीजहीन खीरा, सलाद के व्यापारिक उत्पादन हेतु सफलतापूर्वक लागू किया गया। पादप की आदर्श वृद्धि के लिए पोषक विलयन को प्रसुर वायवित रखा जाए। यदि घोल अल्प वायवित हो तो जल संवर्धन की जो तकनीकी है अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं जो पोषण विलयन संवर्धन के लिए आदर्श अवस्था यहाँ पे है। ठीक है, जल और पोषण मिलाने के लिए यहाँ पे कीप है जहाँ से पोषक तत्व और जल यहाँ से डाला जाता है। बीच में प्लांट को एयर टाइट किया जाता है रुई से, और यहाँ पे एक वातनी नली होती है जिससे विलयन को जो है सेक कहलाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पोषक विलयन है। अब अनिवार्य खनिज तत्व क्या होते हैं? एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट। ठीक है, एनएच खर मृदा में उपस्थित अधिकांश खनिज तत्व जड़ों से पौधे में प्रवेश करते हैं। अभी तक ज्ञात खोज के 105 खनिज तत्वों में से 60 से अधिक तत्व विभिन्न पौधों में पाए जाते हैं। कुछ पौधों की प्रजातियां जैसे सिलिनियम का संग्रहण करती हैं और कुछ गोल्ड का तथा नाभिकीय परीक्षण स्थलों में जो पौधे उगते हैं वह रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम को भी जमा कर लेते हैं। ठीक है, पौधों में खनिज की न्यूनतम सांद्रता 10-8 ग्राम पर ML को भी पता लगाने की तकनीकी आज उपलब्ध है। सभी विभिन्न खनिज तत्वों जो पौधे में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए ऊपर वर्णित स्वर्णिम स्ट्रॉन्शियम, वास्तव में पौधे के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पाए जाते हैं। अब हम किसी तत्व को कैसे निर्धारित करेंगे कि यह पौधे के लिए अनिवार्य है अथवा नहीं है? इसके लिए अनिवार्यता को निर्धारण करने के लिए कुछ मापदंड दिए गए हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम यह कह सकते हैं कि यह तत्व पौधे के लिए इम्पोर्टेंट है अथवा नहीं। ठीक है, अनिवार्य है या नहीं। फर्स्ट हम देखते हैं किसी तत्व की अनिवार्यता के प्रमुख जो मापदंड हैं वह निम्नलिखित दिए गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तत्व को पादप की सामान्य वृद्धि और जनन हेतु नितांत आवश्यकता होनी चाहिए। उस तत्व की अनुपस्थिति में
पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए अथवा बीज भी धारण नहीं कर सकता, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि वह तत्व उस पौधे के लिए आवश्यक है, उसकी सामान्य वृद्धि और जनन के लिए आवश्यक होगा वह और जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए अगर वह उपस्थित नहीं है तो। तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए और इसे किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव नहीं होना चाहिए, या हम कहें कि किसी एक तत्व की कमी को किसी अन्य तत्व के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, तब हम उसे कहेंगे अनिवार्य तत्व, ठीक है। थर्ड है, तत्व पादप के उपापचय में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होना चाहिए, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, उसमें जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपरोक्त मापदंड के आधार पर केवल कुछ ही तत्व पौधे की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से अनिवार्य माने गए हैं, उनको आवश्यकता मात्रा के अनुसार दो व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट है बृहत पोषक तत्व और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व, अर्थात मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। फर्स्ट हम देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट या बृहत पोषक क्या होते हैं। बृहत पोषकों को सामान्यतः पादप के शुष्क पदार्थ का 1 से 10 मिली ग्राम पर लीटर की सांद्रता से विद्यमान होनी चाहिए। इस श्रेणी में आने वाले तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम हैं। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मुख्यतः CO2 एवं जल से प्राप्त होते हैं, जबकि दूसरे मृदा से खनिज के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। अब है माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक। सूक्ष्म पोषक अथवा लेशमात्र तत्व की अनिवार्यता अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है, 0.1 मिलीग्राम पर लीटर शुष्क भार के बराबर या उससे भी कम। इसके अंतर्गत लोहा, मैग्नीज, तांबा, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एवं निकिल शामिल हैं। उपरोक्त 17 अनिवार्य तत्वों के अतिरिक्त कुछ लाभदायक तत्व भी हैं, जैसे सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, ये उच्च श्रेणी के पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। अनिवार्य तत्वों को उनके विविध कार्यों के आधार पर सामान्यतः चार यानी कि 4 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट श्रेणी है अनिवार्य तत्व जैव अणुओं के घटक हैं, अतः कोशिका के रचनात्मक तत्व हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, समझ गया। सेकंड कैटेगरी है अनिवार्य तत्व जो पौधे की ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिक घटक हैं, जैसे पर्णहरी में मैग्नीशियम और ATP में फॉस्फोरस। थर्ड है अनिवार्य तत्व जो एंजाइम को सक्रिय या बाधित करते हैं, जैसे MG2+ आयन, राइबलोज, बिस्फोटवेयर, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज और फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज दोनों को सक्रिय करता है। ये दोनों एंजाइम प्रकाश संश्लेषण कार्बन स्थिरीकरण में अति महत्वपूर्ण हैं। जिंक जो है एल्कोहल डिहाइड्रेज को क्रियाशील करता है तथा मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन उपापचय के दौरान नाइट्रोजनेज को क्रियाशील करता है। थर्ड हमने देख लिया, 3 और 4th है कुछ अनिवार्य तत्व कोशिका के परासरणी विभव को बदलते हैं। पोटेशियम की रंध्रों के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जल विभव को निर्धारित करने में खनिजों के विलेय के रूप में भूमिका भी होती है। बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्व की भूमिका क्या है, देखिएगा ध्यान से। अनिवार्य तत्वों को कई क्रिया करनी होती है, वे पौधे की कोशिकाओं की विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, कोशिका द्रव के परासरण दाब का नियंत्रण, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, बफर कार्य, एंजाइम से संबंधित कार्य और बृहद अणु तथा सह एंजाइम के मुख्य घटक का कार्य करते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के रूप व क्रियाएं निम्नानुसार हैं। फर्स्ट है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन इसकी क्या भूमिका है पौधे के जीवन चक्र में, देखिएगा। इस तत्व की अनिवार्यता पौधे में सर्वाधिक मात्रा में होती है। इसका अवशोषण मुख्य रूप से नाइट्रेट के रूप में होता है, ठीक है। इस जो नाइट्रोजन होता है इसका मुख्य रूप से अवशोषण नाइट्रेट के रूप में होता है, लेकिन कुछ मात्रा नाइट्राइट और अमोनियम आयन के रूप में भी होता है।
इनका फॉर्मूला देख लीजिएगा, NO3 माइनस नाइट्रेट, NO2 माइनस नाइट्राइट और NH4 अमोनियम आयन होते हैं। इसकी अनिवार्यता पौधे के सभी भाग जैसे विभाजोत्ती ऊतक मेरिस्टमैटिक टिश्यू एवं सक्रिय उपापचयी कोशिका में होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल एवं विटामिन और हार्मोन का मुख्य संघटक है। सेकेंड है फॉस्फोरस। पादप द्वारा फॉस्फोरस मादा से फॉस्फेट आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है, H2PO4 माइनस अथवा HPO4 माइनस के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह कोशिका झिल्ली कुछ प्रोटीन सभी न्यूक्लिक अम्ल एवं न्यूक्लियोटाइड के लिए संघटक है तथा सभी फॉस्फोराइलेशन क्रियाओं में इसका महत्व है फॉस्फोरस का। अगर पोटेशियम पादपों द्वारा इसका अवशोषण पोटेशियम आयन के रूप में होता है। इसकी पौधे के विभाजोत्तक यानी कि मेरिस्टमैटिक ऊतकों में, कलिकाओं में, पर्णों, मूल शीर्षों में अधिक मात्रा में जरूरत होती है। पोटेशियम कोशिकाओं में धनायन ऋणायन संतुलन का निर्धारण करने में सहायक होता है। साथ ही प्रोटीन संश्लेषण, रंध्रों के खुलने एवं बंद होने, एंजाइम सक्रियता और कोशिका को स्फीति अवस्था में बनाए रखना आदि शामिल है। नेक्स्ट है कैल्शियम। पादप कैल्शियम को मृदा के कैल्शियम आयन के रूप में अवशोषित करता है। इसकी आवश्यकता विभाजोत्तक तथा विभेदित होते हुए ऊतकों को, मेरिस्टमैटिक और डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू को होती है। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है, विशेष रूप से मध्य पट्टिका में कैल्शियम पैकेट के रूप में इसकी भूमिका होती है। इसकी अनिवार्यता शमसूत्री तर्कु निर्माण के दौरान भी होती है। यह पुरानी पत्तियों में एकत्र हो जाता है। यह कोशिका झिल्लियों की सामान्य क्रियाओं में शामिल होता है। कुछ एंजाइम को सक्रिय करता है कैल्शियम तथा उपापचयी कार्यों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम। यह पादप द्वारा DOG मैग्नीशियम आयन के रूप में अवशोषित होता है। यह प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस तथा रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया के एंजाइम को सक्रियता प्रदान करता है तथा DNA तथा RNA के संश्लेषण में भी शामिल होता है। मैग्नीज क्लोरोफिल के वलय संरचना का घटक है और राइबोसोम के आकार को बनाए रखने में सहायक है। जो मैग्नीशियम होता है या क्लोरोफिल का वलय संरचना का घटक है और राइबोसोम का जो आकार होता है उसे मेंटेन किया जाता है। अगला है गंधक यानी कि सल्फर। पादप जो है गंधक को सल्फेट के रूप में लेता है, सल्फर, ठीक है, सल्फेट के रूप में लेता है। यह सिस्टीन व मिथोनिन नामक एमिनो अम्ल में भी पाया जाता है तथा अनेक विटामिन थायमिन थायोटीन को एंजाइम ए एवं फेरिडॉक्सिन का मुख्य घटक है सल्फर, ठीक है। और यह जो है सल्फेट के रूप में अवशोषित किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, ठीक है, और सिस्टीन और मिथोनिन नामक एमिनो अम्ल का में भी पाया जाता है। अब है आयरन यानी लोहा। पादप लोहे को फेरिक आयन के रूप में लेता है। पौधों को इसकी अनिवार्यता किसी अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व के अपेक्षा अधिक मात्रा में होती है। यह फेरिडॉक्सिन तथा साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का भाग है जो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में संलग्न रहता है। इसका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय Fe2 से Fe3 के रूप में विपरीत ऑक्सीकरण होता है। यह कैटोलेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है और पर्णहरित के निर्माण। अब है मैग्नीज। यह मैग्नीज आयन के रूप में अवशोषित होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइम को सक्रिय कर देता है, ठीक है। मैग्नीज का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं को विखंडन कर ऑक्सीजन को उत्सर्जित करना भी है, बहुत इम्पोर्टेंट। जो वाटर मॉलिक्यूल हैं इसकी वजह से टूटते हैं, ठीक है, तभी ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब है जिंक। पादप जिंक को जिंक आयन के रूप में लेता है। यह विविध एंजाइमों को विशेषतः कार्बोक्सिलेज को सक्रिय करता है। इसकी अनिवार्यता ऑक्सीजन संश्लेषण में भी होती है। अब है तांबा। यह क्यूप्रिक आयन
के रूप में अवशोषित होता है। यह पादपों के समग्र उपापचय के लिए अनिवार्य होता है। लोहे की तरह यह रेडॉक्स रिएक्शन में रेडॉक्स प्रतिक्रिया से जुड़े विशेष एंजाइम के साथ संलग्न रहता है और यह विपरीत दिशा में Cu प्लस से Cu2 प्लस में ऑक्सीकृत होता है। बोरॉन, यह बोरॉन आयनों के रूप में अवशोषित होता है। Bo3 3- और Bo4O7 2- आयन के रूप में। इसकी अनिवार्यता कैल्शियम को ग्रहण तथा उपयोग करने, झिल्ली की कार्यशीलता व पराग अंकुरण, कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका विभेदीकरण एवं कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में होती है। नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम। यह मॉलिब्डेनम आयन के रूप में अवशोषित करता है। नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइम जैसे नाइट्रोजनेज, नाइट्रोजन रिडक्टेज, कई अन्य एंजाइम का घटक है मॉलिब्डेनम। अब है क्लोरीन। इसे क्लोराइड आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर यह कोशिकाओं में विलेय की सांद्रता तथा एनायन कैटायन बैलेंस को फिक्स करता है। एनायन कैटायन संतुलन को निर्धारित करने में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के लिए अनिवार्य है, जिससे ऑक्सीजन का विकास होता है। अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण, डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादप की वृद्धि अवरुद्ध होती है। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादप की वृद्धि अवरुद्ध होती है, वह क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रांतिक सांद्रता से कम होने पर तत्व भिन्न हो जाते हैं। प्रत्येक तत्व की पौधे में एक या अधिक विशेष संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका होती है, अतः उक्त तत्व की कमी में पादप के कुछ आकार की बदलाव आते हैं। ये आकार की बदलाव तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं, जिसे अपर्याप्तता संबंध लक्षण कहते हैं। अपर्याप्तता लक्षण तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और पौधे में इस तत्व की आपूर्ति कराने पर ये लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। यदि यह कमी बनी रहे तो अंततः पादप की मृत्यु हो जाती है। और पादप के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं, उक्त तत्व की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। पादप में जहाँ तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं तथा तरुण विकासशील ऊतकों में निर्यातित होते हैं, वह अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों में पहले प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम अपर्याप्तता के लक्षण हैं। सर्वप्रथम जीर्णमान पत्तियों में प्रकट होते हैं। पुरानी पत्ती के जैव अणु में ये तत्व होते हैं। विखंडन होकर नई पत्तियों तक गतिशील किया जाता है। जब तत्व अगतिशील होते हैं और वयस्क अंगों के बाहर अभिगमित नहीं होते हैं, तो अपर्याप्तता लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं या प्रकट होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं इसका। कैल्शियम कोशिका की संरचनात्मक इकाई का भाग है, अतः ये आसानी से रूपांतरित नहीं होते हैं। कोशिका के खनिज पोषण का यह पहलू कृषि और विज्ञान, जो हॉर्टिकल्चर है, उद्यान विज्ञान के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। पौधों द्वारा दर्शाए जाने वाले अपर्याप्तता लक्षणों के अंतर्गत क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, अवरुद्ध पादप वृद्धि, अपरिपक्व पत्तियां व कलिकाओं का झड़ना और कोशिका विभाजन का रुकना आदि हैं। पत्तियों के क्लोरोफिल के ह्रास से पीलापन आना क्लोरोसिस कहलाता है। ये लक्षण सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम की कमी से होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस या ऊतक का मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु होती है। सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम की अनुपस्थिति या इसके निम्न स्तर के कारण कोशिका विभाजन रुक जाता है। कुछ तत्व जैसे सोडियम सल्फर मोलिब्डेनम की सांद्रता कम होने के कारण पुष्पन में देरी होती है। तो जो उपरोक्त हमने अभी तक विवरण आपको बताया, तो आपने देखा होगा कि किसी तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षण प्रकट होते हैं और यह लक्षण एक या विभिन्न तत्व की अपर्याप्तता से हो सकते हैं। अतः अपर्याप्तता तत्व को पहचानने के लिए तत्व के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन करना पड़ता है और उपलब्ध तथा मान्य तालिका में तुलना करनी होती है। अब हम इस बात से अवगत रहना चाहिए कि समान तत्व की कमी होने पर भिन्न भिन्न पौधे भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया देते हैं। सूक्ष्म तत्व की अनिवार्य अविषाक्तता, टॉक्सिसिटी,
टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषण की अनिवार्यता न्यून मात्रा में होती है लेकिन मामूली कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण और अल्प वृद्धि अवस्था उत्पन्न करती है। टॉक्सिसिटी दूसरे शब्द में सांद्रताओं के संकीर्ण परिसर में ही कोई तत्व अनुकूल होता है। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतक के शुष्क भार में 10% की कमी करे उसे अवश्य यानी कि टॉक्सिक माना गया है। इस तरह की क्रांतिक सांद्रता विभिन्न सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के लिए भी जो है भिन्न होती है। अविषाक्तता के लक्षणों की पहचान मुश्किल होती है। टॉक्सिसिटी के अलग अलग पादपों के ऊतकों की अविषाक्तता स्तर भिन्न होता है। कई बार किसी एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्व के अधिग्रहण को अवरुद्ध करती है। उदाहरण के लिए जैसे मैग्नीज की अविषाक्तता यानी कि टॉक्सिसिटी के मुख्य लक्षण है भूरे धब्बों का आविर्भाव जो कि क्लोरोटिक सिराओं द्वारा घिरी रहती है। यह जानना अनिवार्य है कि लोहा एवं मैग्नीशियम के साथ मैग्नीज अंतःग्रहण तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम में जुड़ने के लिए प्रयोगित करता है। मैग्नीज स्पर्श स्तंभ शीर्ष के कैल्शियम स्थानांतरण को भी बाधित करता है। इसलिए मैग्नीज की अधिकता से लोहा मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो जाती है। अतः जो लक्षण हमें मैग्नीज की कमी से प्रतीत होते हैं वह वास्तव में लोहा मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी से होते हैं क्योंकि यह उनकी गति को अवरुद्ध कर देता है मैग्नीज। ठीक है, जो हमें मैग्नीज की कमी के लक्षण प्रतीत होते हैं लेकिन वो वास्तव में नहीं होते हैं, वो किसी अन्य तत्व के होते हैं। तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि अलग अलग कोशिकाएँ ऊतक तथा अंगों में किया गया है। यह अध्ययन व्यक्त करते हैं कि अवशोषण की क्रियाविधि दो मुख्य रूप से होती है पादपों में। ये अवस्थाएं जो हैं दो अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में कोशिकाओं के मुक्त अथवा बाह्य स्थान यानी कि एपोप्लास्ट में तीव्र गति से आयन का अंतर्ग्रहण होना निष्क्रिय अवशोषण है, पैसिव एब्जॉर्प्शन। और दूसरी अवस्था में कोशिकाओं के आंतरिक स्थान यानी कि सिम्प्लास्ट में आयन धीमी गति से अंतर्ग्रहण किए जाते हैं। एपोप्लास्ट में आयन की निष्क्रिय गति साधारणतः आयन चैनलों के द्वारा होती है। एपोप्लास्ट में आयन की जो पैसिव मूवमेंट होता है वह आयन चैनलों के द्वारा होती है जो कि ट्रांस झिल्ली प्रोटीन होते हैं और चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ सिम्प्लास्ट में आयनों के प्रवेश और निष्कासन में उपापचय ऊर्जा ATP की आवश्यकता होती है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है। आयनों की गति को प्रायः फ्लक्स कहा जाता है यानी कि अभिभाव। कोशिका के अंदर की गति को अंतर्भाव इनफ्लक्स कहते हैं और बाहर की गति बहिर्भाव इफ्लक्स कहते हैं। ठीक है, बाकी आपने 11वें अध्याय से पढ़ा होगा विलयनों का स्थानांतरण ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट। खनिज लवण जैलम या दारू के माध्यम से जल की आरोही धारा के साथ संवाहित किए जाते हैं जो पादप में वाष्पोत्कर्षण द्वारा ऊपर खींचते हैं। जैलम द्रव के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इनमें खनिज तत्व विद्यमान हैं। पादप में रेडियो समस्थानिक के प्रयोग यह प्रमाण दिखाते हैं कि खनिज तत्व पादप में दारू यानी कि जैलम के माध्यम से परिवाहित किए जाते हैं। जैलम और फ्लोएम के बारे में आपने पढ़ा है 11th चैप्टर। मृदा अनिवार्य तत्वों के भंडार के रूप में अधिकांश खनिज जो पौधे की वृद्धि व परिवर्धन के लिए अनिवार्य हैं वे चट्टाने के टूटने एवं क्षरण से पौधे की जड़ों को उपलब्ध होते हैं। ये प्रतिक्रियाएं मृदा को विलेय आयन और अकार्बनिक लवण से उत्पन्न बनाती हैं, संपन्न बनाती हैं। ये चट्टानों में उपस्थित खनिज से प्राप्त होते हैं, इसलिए पादप पोषण में इनकी भूमिका को खनिज पोषण या मिनरल न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, मृदा में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, केवल खनिज ही उपलब्ध नहीं कराती है बल्कि नाइट्रोजन स्त्री करने वाले बैक्टीरिया, स्त्रीकरण करने वाले अन्य सूक्ष्म जीव का संरक्षण भी करते हैं। मृदा जल धारण क्षमता करती है एवं जड़ों को हवा उपलब्ध कराती है, पौधों को स्थिर रखती है। खनिज की कमी फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करती है, अतः जो आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम उर्वरक की अनिवार्यता प्रायः होती है। ठीक है, अब है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म यानी कि नाइट्रोजन उपापचय। फर्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है देखिएगा, अब हम इसे देखते हैं अच्छे से।
जीवित प्राणी में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रमुखतः तत्व है। नाइट्रोजन एमिनोन प्रोटीन न्यूक्लिक आम वृद्धि नियंत्रकों पर्णहरितों एवं बहुतया विटामिनों का संघटक है। मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए जो पादप होते हैं वह सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, अतः जो नाइट्रोजन होता है वह प्राकृतिक एवं कृत्रिम परितंत्र के लिए नियंत्रक पोषक तत्व है। नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन परमाणु शक्तिशील, ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन परमाणु शक्तिशाली त्रिसंलयनी बॉन्ड यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। एन के बीच में थ्री नाइट्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। प्रकृति में बिजली चमकने से और परावैगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया। औद्योगिक दहन, जंगल में लगी आग, वाहनों का धुआं तथा बिजली उत्पादित केंद्र में भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत हैं। वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत मृत पादप और जंतु में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। इसमें से कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में लौट जाती है, लेकिन अधिकांश मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्न अनुसार जो भी हम आपको बताएंगे नाइट्रेट में बदल दी जाती है, ठीक है। अमोनिया ऑक्सीजन के साथ अमोनियम ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्राइड बनता है यहाँ पे। उसके बाद नाइट्राइड जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नाइट्रेट बनाता है और नाइट्रेट को प्लांट अवशोषित कर लेता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इसका जैविक स्थिरीकरण है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि N2 का जो है अमोनिया में चेंज होना। औद्योगिक स्थिरीकरण है विद्युतीय स्थिरीकरण और डीनाइट्रिफिकेशन है यानी कि नाइट्रेट का नाइट्रोजन में चेंज होना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर अमोनीकरण है सड़ता हुआ जैव भार से भी जब अमोनिया के लूप में एब्जॉर्ब करता है प्लांट, ठीक है। और अमोनीकरण जब सड़ता हुआ जैव भार से अमोनिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और अमोनिया से पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद नाइट्राइट जो है नाइट्रेट में, और जो नाइट्रेट होता है उसे प्लांट अवशोषित करता है। दोबारा समझिएगा, अमोनिया पहले नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा नाइट्राइट में बदल दिया जाता है और नाइट्राइट नाइट्रोसो वैक्टर की मदद से नाइट्रेट में बदल दिए जाते हैं और यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। ये नाइट्रीफाइंग जीवाणु रसायनपोषी यानी कि कीमोट्रॉप्स होते हैं। पादप इस प्रकार निर्मित नाइट्रेट का अवशोषण कर पत्तियों में भेज देते हैं। पत्तियों में यह अपचित होकर अमोनिया बनाता है जो कि अमीनो अम्ल का अम्लीय समूह बनाता है। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट भी डीनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन में अपचित हो जाता है। डीनाइट्रीकरण प्रक्रिया स्यूडोमोनास एवं थायोबैसिलस जीवाणु द्वारा संपन्न होती है। डीनाइट्रीफिकेशन किसके द्वारा की जाती है? स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, ठीक है। आप यहाँ अगेन इस डायग्राम को देख लीजिएगा और अच्छे से इसे कर लीजिएगा। पहले नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोबैक्टर, बहुत सारे यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यूज होते हैं और डीनाइट्रिफिकेशन किया जाता है स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस के द्वारा, ठीक है। अमोनिया कन्वर्ट होती है नाइट्राइट में और नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में और प्लांट जो है अब्जॉर्ब करता है नाइट्रेट के रूप में और पत्तियों तक जड़ से अवशोषित होकर भेज दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। वायु में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी केवल कुछ ही जीव नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। केवल कुछ ही प्रोकैरियोटिक जातियां नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाती हैं। जीवित प्राणियों द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन अपचयन वाला करने वाला नाइट्रोजनेज एंजाइम मात्र प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। ये सूक्ष्म जीव N2 स्थिरीकारक कहलाते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजनेज नामक एंजाइम की प्रेजेंस में अमोनिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है, दिखाया गया है।
नाइट्रोजन स्त्री कारक सूक्ष्म जीव स्वतंत्र या सहजीवी जीवन यापन करने वाले हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्त्री कारक ऑक्सी सूक्ष्म जीव हैं, एजिटोबैक्टर और बैजनिकिया, जबकि रोडोस्पेरुलम एनॉक्सी और स्वतंत्र जीवी हैं। इनके साथ ही कई नीली हरे शैवाल ब्लूग्रीन एल्गी जैसे नॉस्टोक एनाबिना भी स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्त्री कारक हैं। सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण क्या होता है, देखिएगा सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कई प्रकार के संघ अभी तक ज्ञात हैं, इन सब में प्रमुख है लेग्यूमिनस यानी कि लेग्यूम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु, लेग्यूम अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, मीठा मटर, मसूर, उद्यान मटर, बैकल और क्लोवर, सेब आदि की जड़ें इस तरह का संबंध बनाती हैं। सबसे सामान्य सहजीवी जड़ों की गांठों के रूप में होता है। ये ग्रंथियां जड़ों पर छोटे उभार के रूप में होती हैं। एलेगुनस पादप जैसे एलनस की जड़ों में सूक्ष्म जीव फ्रेंकिया नाइट्रोजन स्त्रीकारक ग्रंथियां उत्पन्न करता है। राइजोबियम और फ्रेंकिया दोनों ही मृदा में स्वतंत्र जीवी हैं, लेकिन सहजीवी के रूप में वातावरण नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। पुष्पन से पहले किसी सामान्य दाल के एक पौधे की जड़ से उखाड़िए तो आप देखेंगे कि जो जड़ है उस पर गोलाकार अभिवृत्तियाँ आप देखेंगे, इन्हें ग्रंथियाँ कहते हैं। अगर आप इन्हें काटेंगे तो देखेंगे कि इनका जो केंद्र का भाग है वह लाल या गुलाबी रंग का होता है। ग्रंथियों को गुलाबी रंग कौन देता है, यह रंग लैग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, ग्रंथियों का निर्माण। ग्रंथि निर्माण मेजबान पौधों की जड़ एवं राइजोबियम के पारस्परिक प्रक्रिया के कारण होता है। ग्रंथि निर्माण के मुख्य चरण इस प्रकार हैं। राइजोबियम बहुगुणित होकर जड़ों के चारों ओर एकत्र हो जाते हैं तथा उपत्वचि और मूलरोम कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं। मूलरोम मुड़ जाते हैं तथा जीवाणु मूलरोम पर आक्रमण करते हैं। एक संक्रमित सूत्र पैदा होते हैं जो जीवाणु को जड़ों के कॉर्टेक्स तक ले जाते हैं, जहां वे ग्रंथि का निर्माण प्रारंभ करते हैं। जब जीवाणु सूत्र से मुक्त होकर कोशिकाओं में चले जाते हैं तो विशिष्ट नाइट्रोजन स्त्रीकरण कोशिका के विभेदीकरण का कार्य करते हैं। इस प्रकार ग्रंथि का निर्माण होता है और मेजबान से पोषक तत्व के आदान प्रदान के लिए संवहनी संबंध बन जाते हैं। ये घटनाएं चित्र द्वारा दिखाई गई हैं। इन ग्रंथियों में नाइट्रोजनेज एंजाइम एवं लैग हीमोग्लोबिन जैसे सभी जैव रासायनिक संगठन विद्यमान होते हैं। नाइट्रोजनेज एंजाइम तक मॉर्फी प्रोटीन अर्थात मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है जो वातावरणीय नाइट्रोजन के अमोनिया में परिवर्तन को उत्प्रेरित करते हैं। यह नाइट्रोजन स्त्रीकरण का प्रथम उत्पाद है और इसे निम्न समीकरण के द्वारा आप देख सकते हैं। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल है और यह एक अमीनो एसिड होता है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, यह अमोनियम आयन के साथ प्लस NADPH के साथ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंट की उपस्थिति में जो है कि प्रेजेंस में ग्लूटामेट प्लस H2 और NADP बनाता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम आणविक ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत संवेदी है, इसे अनॉक्सी वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह ऑक्सी में कार्य नहीं करेगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो देखिए, हमने आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से बताते हैं सोयाबीन की मूल ग्रंथि का यहाँ पर विकास है। राइजोबियम जीवाणु ग्रंथि मूल रोम स्पर्श से उसके नज़दीक विभाजित होता है, ए वाले डायग्राम में, बी में है संक्रमण के बाद मूल रोम में संकुचन प्रेरित होता है, सी में संक्रमण धागा यानी कि जीवाणु को भीतर कॉर्टेक्स ले जाता है, जीवाणु दंड के आकार के जीवाणु समरसनाएं में रूपांतरित हो जाता है और भीतरी कॉर्टेक्स एवं परिरव कोशिका विभाजित होने लगती है। कॉर्टेक्स एवं परिरव की कोशिकाओं का विभाजन एवं वृद्धि ग्रंथि निर्माण की ओर ले जाता है और डी में आप देख सकते हैं संवनी ऊतक के पूर्ण एवं परिपक्व ग्रंथि मूल से आसीन हो जाता है। ठीक है, मृदाकण है मूलरोम और जीवाणु मूलरोम के चारों अंकुश मुड़ी हुई संरचना बनाते हैं। फिर विभाजन के दौरान जो आंतरिक कॉर्टेक्स एवं परिरम कोशिकाएं हैं वहां पर जीवाणु का अंतर्विष्ट होता है, संक्रमण धागे के द्वारा अंदर जाते हैं और उसके बाद फिर परिपक्व ग्रंथियां का निर्माण, इस प्रकार संरचना आप देख सकते हैं ये बन जाती है। ठीक है, और इसके जो स्टेप हैं वह
हमने आपको बता दिया अच्छे से। तो नाइट्रोजनस एंजाइम आणविक ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत संवेदी है, इससे अनौक्षी वातावरण की आवश्यकता होती है। ग्रंथियों में यह अनुकूलता होती है कि उसके एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाया जा सके। इन एंजाइम की सुरक्षा के लिए ग्रंथियों में एक ऑक्सीजन अपमार्जक होता है जिसे लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह रोचक तथ्य है कि स्वतंत्र जीवी अवस्थाओं में सूक्ष्म जीव ऑक्सी होते हैं जहाँ नाइट्रोजनस क्रियाशील नहीं होता है, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ये अनॉक्सी हो जाते हैं और नाइट्रोजनस एंजाइम की सुरक्षा करते हैं। जैसे हमने आपको ऊपर समीकरण बताया, तो इसमें नाइट्रोजनस के प्रति अमोनिया संश्लेषण के दौरान अत्यंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और एक अमोनिया के सिंथेसिस के लिए, संश्लेषण के लिए 8 ATP की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस ऊर्जा की आपूर्ति मेजबान कोशिका के ऑक्सी श्वसन से होती है। अब हम देखते हैं जो अमोनिया बना उसकी क्या फेट होता है, क्या होता है उसका अमोनिया की नियति। पहले हम डायग्राम देखते हैं, उसके बाद हम अमोनिया की नियति देखेंगे कि जो अमोनिया बनता है उसके बाद उसका क्या होता है, ठीक है। नाइट्रोजनेज एक जीवाणु एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले बैक्टीरिया में पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में बदलता है। अमोनिया अपचयित होकर अमोनिया अम्ल एवं नाइट्रोजनेज युक्त कंपाउंड का निर्माण करता है। अब आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर क्रियाधार है, सबस्ट्रेट है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल से ली गई है, ठीक है, रूट्स के द्वारा। अब एंजाइम नाइट्रोजनेज की प्रेजेंस में यहाँ पर जो क्रियाधार है उसका उसके एक्टिव साइट से बांधता है यह जो नाइट्रोजन है। उसके बाद इसका रिडक्शन होता है अपचयन और दो हाइड्रोजन आयन यूज होते हैं, ठीक है। फिर यह NH2 बना, इसका अगेन रिडक्शन होता है अपचयन और दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की उपस्थिति में, अणु की उपस्थिति में दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज होते हैं, हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं दो, ठीक है, वो उनका फिर अगेन रिडक्शन होता है, फिर ये NH4 बन जाएगा। अगेन उसका रिडक्शन होता है दो हाइड्रोजन की उपस्थिति में, फिर इसका प्रतिफल प्रोडक्ट बनता है अमोनिया NH3 और इसका बाई प्रोडक्ट जो है यह रिलीज हो जाता है और स्वतंत्र जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है वह दूसरे N2 अणुओं के साथ जो आबंध यह हो जाता है, ठीक है, N2 अणु के साथ आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम देखते हैं जो इसमें अमोनिया बना उसकी क्या नियति होती है, क्या होता है उसका फ्यूचर, क्या उसके साथ क्या बनता है। अमोनिया कार्य की pH पर प्रोटीनकरण के बाद अमोनिया आयन का निर्माण करते हैं, जबकि अधिकांश पादप नाइट्रेट की तरह अमोनिया का भी एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण कर सकते हैं, लेकिन अमोनिया आयन पादप के लिए विषाक्त है, टॉक्सिक, जिसके कारण इसे एकत्र नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं इस तरह संश्लेषित जो अमोनिया होता है, अमोनियम आयन, उसका क्या होता है पादपों में, ठीक है। तो पादपों में एमिनो अम्ल के संश्लेषण होते हेतु इस अमोनियम आयन का उपयोग होता है और इसमें मुख्य दो क्रियाएं होती हैं, एक अपचयित एमिनीकरण, रिडक्शन एमिनेशन। इस प्रक्रिया में अमोनिया ग्लूटारिक अम्ल के साथ क्रिया करके ग्लूटामिक अम्ल बनाता है, जैसे नीचे समीकरण में आप देख सकते हैं। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ अमोनियम आयन जो है NADPH की साथ की हेल्प से जो है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूटामेट बनाता है, यह एक एमिनो एसिड है, ठीक है, और एसिटो रिलीज होता है। फिर है पार एमीन एमिनन या विपक्ष एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन, एमिनो अम्ल से एमिनो समूह का कीटो अम्ल के कीटो समूह में स्थानांतरित होता है। ग्लूटामिक अम्ल मुख्य एमिनो अम्ल है जिसके एमिनो एसिड स्थानांतरित होता है और दूसरे एमिनो अम्ल का विपक्ष एमिनिन द्वारा होता है। ट्रांस एमिनेशन एंजाइम इस तरह सारी क्रियाएं को उत्प्रेरित करता है। एमिनो दाता आप देख सकते हैं, एमिनो संग्राहक, ठीक है। पौधे में एस्पारजिनिन ग्लूटामिन दो अति सूक्ष्म एमाइड हैं जो प्रोटीन के संरचनात्मक भाग हैं। ये दोनों एमिनो अम्ल क्रमशः एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल के प्रत्येक के साथ एमिनो अम्ल के जोड़ने से बनते हैं। इस प्रक्रिया में अम्ल का हाइड्रोक्सिल भाग NH2 मूलक से विस्थापित हो जाता है। एमाइड्स में चूंकि एमिनो अम्ल से ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, अतः ये दारु यानी कि जाइलम वेसल्स, दारु वाहिकाओं द्वारा पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित किए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ पौधे जैसे सोयाबीन को ग्रंथियां वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के साथ स्थिर नाइट्रोजन को यूराइड्स के रूप में भेज देते हैं।
इन यौगिकों में भी कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का अनुपात अधिक होता है। तो आपने देखा होगा जो अमोनियम आयन बनता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान अमोनिया, वह जो है अमीनो अम्ल बनाने के काम आता है, ठीक है। और यूराइड्स, कुछ पौधों में यूराइड्स, यह भी नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड है। देखो अमोनियम या जो अमोनियम है, इसके अमोनिया इसको प्लांट स्टोर नहीं कर सकता, तो इसे चेंज करना होता है, ठीक है। फिर इसके अलग अलग बनते हैं अमीनो एसिड, तो उसे फिर प्लांट यूज कर सकता है, ठीक है। आपने देखा इसके दो मेथड हैं, ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनीकरण और अवचयित एमिनीकरण, ठीक है। यह इसके दो स्टेप हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अगेन।